कल हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, स्क्वायर, रेगुलर हेक्सागन और क्यूब, तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। यस सर। नेक्स्ट देखो, असाइनमेंट देखो, प्रीवियस असाइनमेंट। हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए, फिर देखो वही कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है कल वाली, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए, ये सॉलिड है, हैज ए नेट चार्ज पॉजिटिव 2q और इस पर नेट चार्ज जो दिया हुआ है पॉजिटिव 2q, ये प्रोवाइड किया गया। ए कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ इनर रेडियस बी एंड आउटर रेडियस सी, ये इनर कंडक्टिंग सेल है और इसके इनर रेडियस, ठीक है ना, बी है, आउटर रेडियस सी, ये कंडक्टिंग सेल जो आपको अपीयर हो रही है ये कंडक्टिंग सेल है, ये रेडियस आपके गिवन है यहाँ तक, ये बी है और ये रेडियस सी है कंडक्टिंग सेल। कंडक्ट इज कंसेंट्रिक विद सॉलिड स्फीयर, सेंटर सेम है दोनों के, हैज नेट चार्ज प्लस क्यू और इस पे चार्ज प्लस क्यू है। द सर्फेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल सेल विल बी, ठीक है ना, सेल विल बी, इधर देखो ये सिग्मा वन है और ये सिग्मा टू है, आपको सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्वेश्चन क्लियर हुआ? इन साइड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए सराउंडेड बाई ए स्फेरिकल सेल ऑफ इनर रेडियस बी एंड आउटर रेडियस सी, ठीक है ना, चार्ज गिवन टू इनसाइड सिलेंडर इनसाइड स्फीयर 2q एंड आउटसाइड सेल प्लस क्यू, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल सेल बोथ सरफेस, तो मतलब सिग्मा वन और सिग्मा टू आपको फाइंड आउट है। तो कल वाली प्रॉब्लम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि अगर सरफेस पे हम चार्ज निकाल लेंगे तो रेडियस देखो हर जगह सेम है इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, तो सिग्मा आपको रिलेट हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है ना, और चाहे इनर की आप फाइंड आउट करें चाहे आउटर की, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। रोहित, तो यहाँ के इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, ये जो सेल है इसके इनर सरफेस पे चार्ज, जीरो। संजीव, जो सेल दिख रही है इसके इनर सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू, संजीव माइनस क्यू, तुम कितने आंसर चेंज, माइनस टू क्यू, फिर जो ये चार्ज होता है वही चार्ज ये होगा तो कितना हो गया माइनस टू क्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टू क्यू। क्लियर?
अब ये माइनस टू क्यू हो गया चिराग, तो इसके यहां पे कितना चार्ज हो गया आउटर पे, क्यू प्लस की माइनस, प्लस क्यू मयंक प्लस क्यू अमन प्लस क्यू विकास प्लस थ्री क्यू। तुम लोगों को नहीं समझ में है, बैठ जा, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कल अभी हमने कितना डिस्कशन किया इस पे कि आइसोलेटेड सेल है उसका नेट चार्ज क्या रहता है, कंजर्व, और नेट चार्ज इस पे कितना है, प्लस क्यू। तो अंदर पे अगर माइनस टू डेवलप हुआ तो बाहर कितना होना चाहिए, फिर कल अभी इतना डिस्कशन किया है लेकिन, तो कितना आ गया यहां पे, प्लस थ्री क्यू आ गया कि नहीं। अब देखो सिग्मा वन का आंसर, सिग्मा वन इक्वल टू माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाई, यस फोर पाई बी स्क्वायर, और सिग्मा टू इक्वल टू क्यू होगा थ्री क्यू, थ्री क्यू बाई फोर बाई सी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स सरफेस चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया, नॉट नेट। कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है, बात समझ में, ऑप्शन है या नहीं है ठीक है ना, उसका नहीं, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको चाहिए। एक मिनट हम पढ़ लेते हैं एक बार और, क्या पूछा गया, एक पॉजिटिव टू क्यू एक मिनट रुक जाओ। एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल इनर रेडियस बी आउटर रेडियस सी द कंसेंट्रिक, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ इनर रेडियस बी एंड आउटर रेडियस सी इज कंसेंट्रिक विद सॉलिड स्फीयर हैज अ नेट चार्ज माइनस क्यू है, उसमें माइनस आगे लगा हुआ है यहाँ, सॉरी ये देखिए चार्ज के आगे माइनस लगा हुआ है कि नहीं, तो ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी वो माइनस क्यू दिया हुआ है, ये इधर देखो ये जो जगह दिया है ये क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया, तो माइनस टू क्यू यहां हो गया, तो यहां पे बच जाएगा आउटर पे कितना बचेगा, हाँ ये हमारा बच जाएगा ठीक है, ये बच जाएगा माइनस क्यू, ये तो देखो क्यों बच गया, क्योंकि माइनस क्यू था तो नेट चार्ज कितना रहना चाहिए ठीक है ना, माइनस क्यू था तो इस पे टू क्यू आ गया तो इस पे प्लस क्यू आएगा ना, प्लस क्यू गया पहले क्या था, प्लस क्यू चार्ज दिया था, प्लस क्यू टोटल था उस पर नेट था, क्वेश्चन नहीं समझते आप, पहले कॉपी दो फिर मिला, एक मिनट No.
देखो यहाँ पे, देखो इधर पहले इस पे प्लस टू क्यू था, हम समझे यहाँ पे प्लस क्यू दिया हुआ है, प्लस क्यू नहीं है क्वेश्चन में, देखो माइनस क्यू चार्ज गिवन है, तो इस पे टोटल चार्ज कितना है, माइनस क्यू। तो आइसोलेटेड कंडक्टिंग सेल है, इस पे नेट चार्ज माइनस क्यू रहना चाहिए, ये इंडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, माइनस टू क्यू आएगा। अब यहाँ पे टोटल माइनस क्यू है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। और पहले हमने क्या लिया था, प्लस क्यू कंसिडर किया था, तो आंसर कितना हो जाएगा, थ्री क्यू, तो उसके करस्पॉन्डिंग आंसर देगा, ठीक है ना। तो अब ये आंसर आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म आपका आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड, देखो द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ थिन चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर इज सिग्मा। इधर देखो सेकंड, सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क इज। देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आती है ई एक्सेस पे सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस फाइव, और ये हमारा फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्क की वजह से, ये डिस्क होती है, डिस्क का ये एंगल सेमी वर्टिकल एंगल जिस पॉइंट पे फील्ड निकालते हो, ये पॉइंट पी है, ये एंगल आपका फाई होता है, तो ये एक्सप्रेशन होता है, इसको ड्राइव करते हैं कहाँ से, रिंग से, रिंग कट करके ड्राइव कर लिया, तो एक्सप्रेशन हमारे पास ये आता है, नोट कर लीजिए ये एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन से इधर देखो, सेंटर वे फील्ड जब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, तो ये कॉस 90 हो जाता है, सेंटर पे ये पॉइंट आएगा, इधर देखो सेंटर पे ये पॉइंट को सेंटर पे ले जाओ, तो ये फाई कितना हो जाएगा 90, और कॉस 90 कितना हो जाएगा, जीरो, तो आंसर कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर इतनी चीज। अब द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सेस ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क रिड्यूज बाई, कितनी रिड्यूज होगी, इधर देखो यहाँ पे जब इस जगह पे निकालोगे तो ये डिस्टेंस आपकी आर है और ये भी डिस्टेंस आर है, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, यहां से देखो कॉस फाई, वन बाई फाई, अरे इधर देखो 90, ये 90 डिग्री है, ये 45 45, तो फाई कितना हो गया, ठीक है ना, कॉस फाई इक्वल टू वन बाई रूट टू, फाई इक्वल टू 45 हो गया कि नहीं। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी ई वन इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस वन बाई रूट टू, हो गया। अब उसने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रिड्यूस करती है, फ्रैक्शन उसका निकालना, रिड्यूस्ड वाई, तो रिड्यूस बाई मतलब डिफरेंस आपका कितना हो गया, रिड्यूस बाई हो गया आपका ई माइनस ई वन डिवाइडेड बाई ई, और परसेंटेज में निकालना इंटू 100, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू रख दो आंसर, देखो
रूट टू माइनस वन, 1.41, सॉल्व करो बैठे, कैलकुलेशन हम करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट जो भी आ जाओ, नेक्स्ट बोलो। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम नंबर 8। स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरेक्टराइज बाय चार्ज डेंसिटी हैविंग द फॉलोइंग वेरिएशन। स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस आपको क्या कंसीडर करना है, स्फेयर, और स्फेयर कंसीडर करना है, उसमें चार्ज डेंसिटी देखो आपको गिवन है, ये रेडियस आपकी कैपिटल आर हो गई। इस पॉइंट से देखो यहाँ पे ये पॉइंट आर है डिस्टेंस पे, ये पॉइंट आर डिस्टेंस पे जो डेंसिटी है रो इक्वल टू रो नॉट 1 - r/r, और ये कंडीशन आपको दी हुई है r इज लेस देन r, और r ग्रेटर देन r पे रो इक्वल टू जीरो है, रो इक्वल टू जीरो r ग्रेटर देन r इक्वल टू भी लगा सरफेस पैकेज जीरो, यहां कंडीशन गिवन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इंटरनल पॉइंट, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है दिस? क्या करना पड़ेगा दूसरा? आवाज नहीं, इधर फोकस करो, क्या करना पड़ेगा? इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, तो वही फार्मूला यूज होगा यहाँ। हाँ क्यों? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है फार्मूला तक याद नहीं है। नॉन कंडक्टिंग में किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, डेरिवेशन किया था? इसमें ये हमने यहां पे कंसीडर कर लिया, ये चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉजिटिव चार्ज मान लिया मैंने, क्या करना पड़ेगा बोलो? उसमें रो कांस्टेंट होता था, रो वेरिएबल है, उसको भी थोड़ा चेंज कर दिया उसने। कैसे स्टार्ट करेंगे विकास? चार्ज इंटरनल निकालेंगे, तो चलिए इंटरनल पे इधर देखो, फिगर देखो, इंटरनल चार्ज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे यहां पे, ठीक है, कि कौन सा इंटरनल जो आवाज नहीं, इधर देखो चुपचाप, ये हल्का कर दे थोड़ा सा, रेड कर दें इसको, रेड में आ जाएगा। ये दिख रहा कि नहीं? इसमें देखो कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, गॉस लॉ का यूज करो कि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉन यूनिफॉर्म लेकिन सिमेट्री है, क्योंकि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे डेंसिटी इक्वल है। देखो वहां पे रो के टर्म में देखो, दिमाग लगाओ,
डेंसिटी क्या है, डिस्टेंस वाइज डिपेंडेंट है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। मतलब अगर इसके इस पॉइंट पे देखें तो जो ये हमने स्फेयर बनाया है, ये सर्किल नहीं है, स्फेयर जो बनाया है इनसाइड, इस स्फेयर पे डेंसिटी आपकी सेम रहेगी, रहेगी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं, सिमेट्री दिख रही है तो गॉस लॉ से क्या निकालेंगे, ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिस इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फार्मूला। ठीक, अब इधर देखो ई का वेरिएशन, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने कहा कि इस जगह पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से देखो हमारी ऐसे डेवलप होंगी, यहां ये लाइन से जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी डेवलप हो रही हैं। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर से जा रही हैं तो ईच पॉइंट पे स्क्वायर पे देखो ये एंगल आपका पाई बाई टू बन रहा है कि नहीं। दैट मीन्स एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स ई डॉट डी एस कॉस जीरो राइट कर सकते हैं। तो लेफ्ट टर्म का वेक्टर हम रिमूव कर दें, ये इनक्लोज दिस इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो, दिस इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म हो गया। अब देखो ई का मैग्नीट्यूड देखो तो स्फीयर पे ईच पॉइंट पे कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो ई को हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, ये इंटीग्रेशन, ये हमारे पास ई आ गया, ये डी एस कॉस जीरो वन हो गया, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट वन। यहां तक क्लियर हुआ, ये अब ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट बन गया यहां पे। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि डी एस सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पता ही है कितना होता है प्रतीक, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², तो इतना टाइम लगता है सोचने में ना, सरफेस एरिया स्फीयर कितना हो गया 4πr², तो देखो लेफ्ट टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट टर्म में भी एप्सिलॉन नॉट पर ठीक है ना वैल्यू पता, हमें प्रॉब्लम सिर्फ इसमें है क्यू इनक्लोज में, अगर हम क्यू इनक्लोज निकाल लेंगे इसके इनसाइड तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, समझ आ रही। अब क्यू इनक्लोज कैसे निकालें इस पे दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं आप क्यू इनक्लोज फाइंड आउट करने के लिए, अगर डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती तो आप क्या करते थे, रो इंटू 4π³ पाई आर क्यू, तो आप सीधा कर सकते थे, लेकिन यहां पे वेरिएशन अप्लाई कर दिया, रो आर का फंक्शन है, अब कैसे निकालोगे क्यू इनक्लोज को, कैपिटल आर कैसे चेंज कर सकते हो आप, स्फीयर तो रेडियस गिवन है कैपिटल आर, जो भी चेंज करो आर को वेरिएशन करना स्मॉल आर को, हाँ स्मॉल आर पे निकालो, बात नहीं चुपचाप अपना दिमाग लगाओ सोचने की कोशिश करो संजीव है? हमने कहा अपना अपना ब्रेन अप्लाई करोगे तभी ये चलेगा एक्टिव होगा। हाँ हेलो देखो और बताओ और दूर हो जाए, हाँ अपना अपना दिमाग लगाओ क्यू इनक्लोज कैसे निकाले, और मैंने प्रोसीजर बताया था जब मैंने डेरिवेशन बताया था और मैंने कहा इस पॉइंट पे ध्यान रखना, लेकिन तुम लोग ना सुनते ही नहीं हो, पता नहीं चुपचाप नोट कर लिया इसके बाद खत्म कहानी। जब मैंने डेरिवेशन बताया था उस समय स्टेप बताई थी कि इस स्टेप को ध्यान रखना, रो का वेरिएशन होता है तो प्रॉब्लम कैसे फॉर्म करोगे कैसे सॉल्व करोगे, नहीं क्लिक कर रहा आप, चलो एक बार और बता देते हैं। इधर देखो जब भी रो का वेरिएशन हो तो सुन लीजिए, चाहे जैसी प्रॉब्लम हो रो का कैसा भी वेरिएशन हो तो हम क्या कहते हैं कि इसका जो है ये रो है इस पे ये जो थिकनेस है ये वाली हल्की सी थिकनेस ले ली, ये थिकनेस जो आपको देख रहे हो हमने डी आर लेयर ये कंप्लीट की
इस डीआर लेयर में, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं होती। आर प्लस डीआर इक्वल टू आर होता है या आर माइनस डीआर इक्वल टू आर होता है, क्योंकि डीआर मींस आर के कंपेयर में वेरी वेरी स्मॉल। आप मैथ के स्टूडेंट हो तो डीआर और आर का मीनिंग, ठीक है ना, आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए। क्लियर है दिनेश जी? इसका मीनिंग ये हुआ कि आर डेंसिटी पे अगर हम डीआर थिकनेस उसके कंसीडर करें, उस पे चार्ज हम कंसीडर करते हैं, तो वो डेंसिटी मेरी कांस्टेंट होगी। क्लियर? और आर डेंसिटी पे चार्ज हमारे पास हो जाएगा डीवी। अगर हम लिखें चार्ज हमारा डीक्यू, दिस इक्वल टू डेंसिटी रो इनटू डीवी। ये टर्म डीक्यू आ गया। डीक्यू कितना हो गया? उस सेल पे चार्ज। रो हमारे पास पता है कितना है, रो इक्वल टू रो नॉट वन माइनस आर बाई आर, और डीवी इस सेल का वॉल्यूम, इस सेल का वॉल्यूम कितना होता है, फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये होता है वॉल्यूम ऑफ द सेल, सेल का एरिया मल्टीप्लाई बाई थिकनेस। सेल को ऐसे काट दीजिए, उसको फैला दीजिए बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा, ये एरिया और ये थिकनेस, ठीक है ना। ये बॉल होती है, उसको काटिए ऐसे फैला दीजिए होल वाले, उसका जो मटेरियल यूज हुआ वो कितना वॉल्यूम होगा उसका मटेरियल का, तो उसका जो एरिया होगा सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो ये आपका आ गया डी क्यू। अब इंटीग्रेट कर लें इसकी, कहाँ तक इंटीग्रेट कर लें, हमें क्यू इनक्लोज घोसला लगाया, जीरो से लेके स्मॉल आर पर, स्मॉल आर पर रखेंगे, कैपिटल आर पे नहीं जाएंगे, इनसाइड निकालना। तो हमारे पास ये डी क्यू आ गया, इंटीग्रेट कर लिया आपने यहाँ से, जीरो टू क्यू आ गया हमारे पास, जीरो टू आर आ गया। इधर देखो क्यू हो गया, इधर ले आओ फोर पाई रो नॉट, इधर देखो आर स्क्वायर, पहला टर्म आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट कर लो आर क्यूब बाई थ्री। तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लिया आपने आर क्यूब बाई थ्री, ये स्टेप, और यहाँ देखो आर क्यूब हो जाएगा तो माइनस आर पावर फोर बाई फोर आर, और लिमिट भी रख दोगे तो यही आंसर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि जीरो टू आर लिमिट रख दी। इस वैल्यू को हम यहाँ अपनी प्लस कर दें, तो इस वैल्यू को यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e इंटू फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इक्वल टू फोर पाई रो नॉट आर क्यूब बाई थ्री माइनस आर पावर फोर बाई फोर आर, ठीक है। यहाँ देखो फोर पाई आर स्क्वायर से फोर पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल, क्या आंसर आ गया, हाँ एप्सिलॉन नॉट रह गया, ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कहाँ पे रह गया, क्यू यहाँ तक ठीक था ये, तो ये हो गया हमारे पास रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट आर बाय थ्री माइनस, आंसर चेक करो, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है कि अगर कोई भी वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन हो तो इस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। नोट करो जल्दी, नोट करो, एक बार तो याद नहीं आ रहा है, दो बार तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम याद हो जाएगा कि हाँ ये प्रोसीजर रहता है वेरिएबल के केस में, क्योंकि जो रिलेशन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, सिमिलर वे में मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे सारे डेरिवेशन एज इट इज। अरे नहीं करते हैं तो क्या हुआ जी, जितना है वो उसके आगे करो, तुम्हें तो करना है, टाइम मिलेगा तो चेक हो जाएगी।
आप ही में लिख लिख पेपर पता नहीं कहाँ जाएगा, आप ही में नहीं लिख सकते। वही बस याद हो जाएगा तुरंत, सोल्यूशन तुरंत मिल जाएगा, जो क्वेश्चन दोबारा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट 16 नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, राइट कर लिया। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन हमारे पास, ए स्मॉल स्पेयर ऑफ कैरिंग ए चार्ज क्यू इज हैंगिंग इन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। इधर देखो ये दो पैरेलल प्लेट हैं और पैरेलल प्लेट में ये पॉजिटिव चार्ज आपका दिया हुआ है यहाँ पे, इस पे नेगेटिव चार्ज ये गिवन है, ठीक है ना। और एक पेंडुलम है यहाँ पे, ये पेंडुलम है, ये स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है। स्मॉल स्फीयर पे चार्ज क्यू है, लेंथ इसकी दी हुई है एल है, मास भी गिवन है आपका, ठीक है ना। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज टी नॉट, ठीक है ना। टाइम पीरियड देखो, सिंपल पेंडुलम है प्रतीक, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला दोनों मिलके बता संजीव और प्रतीक, टू पाई, बोलो जल्दी से, ये है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। इसका मतलब टी नॉट जो तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस टी नॉट की वैल्यू आपने राइट कर दी, ठीक है ना। अभी प्लेट पे कोई चार्ज का कंसिडरेशन नहीं था। अब नेक्स्ट देखो, व्हेन पैरेलल प्लेट आर चार्ज्ड, अब चार्ज दिया गया सेकंड केस में, ठीक है ना। ये जो पहला केस है विदाउट चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट्स, ठीक। दूसरे केस में यहां पे कि पैरेलल प्लेट आर चार्ज्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, यहां अमन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही। विकास इससे क्या चेंज हुआ, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी गई, उसको मैंने चार्ज दे दिया, तो क्या चेंजेज आया, नहीं टाइम पीरियड तो फाइनली पूछा ही गया, तुम्हारे अकॉर्डिंग जब अप्लाई किया गया तो क्या चेंज आपको दिखा, यहाँ पे टाइम पीरियड क्यों चेंज हुआ, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, सिंपल पेंडुलम तो हैंग कर रहा, जब ऑसिलेट करेगा तब एक्सेलरेशन होगा, जब ऑसिलेट करेगा सिंपल पेंडुलम तब उसका एक्सेलरेशन होगा, तो फिर एक्सेलरेशन मतलब जी इफेक्टिव में चेंज आएगा।
तो क्या करते हैं जी इफेक्टिव निकालने का प्रोसीजर हमारा क्या है यहाँ पे कि जब जी इफेक्टिव निकालते हैं तो देखो इधर ये टी है टेंशन दिस इक्वल टू इस पे जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे आप सिंपल पेंडुलम का तो ये वेट आ जाएगा ये टेंशन आ जाएगी टी डैश और इधर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पे क्यू ई फोर्स आपका इधर आ जाएगा तो यहां पे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा वेट प्लस क्यू ई और इसको आप राइट कर दो एम जी इफेक्टिव टी डैश टेंशन को रिप्लेस करो जी इफेक्टिव से क्योंकि ये आंसर जो फाइनल फार्मूला होता है वो टाइम पीरियड इक्वल टू किसी भी केस में कहीं भी ठीक है ना 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव बात समझे चाहे मैकेनिक्स में हो चाहे एसएचएम में हो चाहे आप फ्लूइड में ले जाओ कहीं भी ये क्वेश्चन बनेगा हर जगह बनता है क्वेश्चन ये सारे चैप्टर में इन्वॉल्व हो जाता है तो जहाँ भी जी इफेक्टिव आपको चाहिए होता और जी इफेक्टिव की वैल्यू कैसे निकालोगे ये प्रोसीजर बता दिया टेंशन की जगह जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो एक साइड में टेंशन एक साइड में टेंशन बैलेंस बाय एक्सटर्नल फोर्सेज एट द मीन पोजीशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ये भी कंडीशन है कहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपने फोर्स राइट किए और फोर्सेज को टेंशन को एक साइड में बाद बाकी एक्सटर्नल फोर्स को एक साइड में यहाँ देखो टेंशन की वैल्यू अपने आप आ गई कितनी आ गई वेट प्लस क्यू ई हो गई कि नहीं ये जी इफेक्टिव हमारे पास आ गया कितना हो गया जी प्लस क्यू ई बाय ठीक है जी इफेक्टिव आ गया तो यहाँ से टेंशन जो है टाइम पीरियड टी बोला गया ये तो टी आ जाएगा टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ठीक है ना आपको क्या निकालना है टी बाई टी नॉट डिवाइड कर दीजिए आंसर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी करो नेक्स्ट 19 देखो क्वेश्चन नंबर 19
19 नंबर क्वेश्चन, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर डेंसिटी रो इज हेल्ड स्टेशनरी इन ए यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रो नॉट लेस देन रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर, इज क्वांटा ऑफ चार्ज देन ड्रॉप हैज। इधर देखो, ये सिंपल एक ड्रॉप यहां दी हुई है और ये ड्रॉप का जो वेट है आपका वो इस डायरेक्शन में लग रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। अब क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लग रहा है कि ड्रॉप पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव की नेगेटिव। देखो क्वेश्चन पढ़ो उस पे देखो कैसा चार्ज। दोनों कंडीशन है देखो ना, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया लेकिन ऑप्शन में मेंशन किया हुआ है दो जगह, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मींस पॉजिटिव और दो बार एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसकी दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों ऑप्शन आपको चेक करने हैं, या तो ठीक है ना एक्सचेंज में होगा या ये। तो अब आपका आंसर जो है, आवाज नहीं, अब आपका आंसर किसके करस्पॉन्डिंग जाएगा, एक बार पॉजिटिव ले लें एक बार नेगेटिव। देखो अगर इसको हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं तो ये जो फोर्स हो गया क्यू ई, ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अगर हमने इसका ले लिया कि सपोज कर लिया चार्ज ऑन द ड्रॉप इज पॉजिटिव क्यू, ठीक है ना, पॉजिटिव क्यू, तो ये कंडीशन, इसके अलावा कोई फोर्स दिख रहा, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ो तो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। यार मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ो उसमें देखो उसके अलावा कुछ फोर्स दिख रहा। शीतल कोई फोर्स है इसका, नहीं दिख रहा। विकास दिखा कुछ, समझ में ही नहीं आ रहा ना। यहाँ पे देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है रो नॉट दिख रहा, और नीचे क्या लिखा हुआ डैश, रो नॉट क्या है लिखा कि नहीं, इसका मतलब एयर एग्जिस्ट कर रही है, एयर का इन्वॉल्वमेंट है और आपने इसमें एयर का इन्वॉल्वमेंट किया अभी तक तो फिर आप गलत नहीं है। और ऑप्शन में भी सब में अवेलेबल है, ईच ऑप्शन में देखिए रो नॉट इन्वॉल्व हो रहा। तो अब हमने ये बता दिया, आपने कहाँ मिस्टेक की वो हमने आपको इंडिकेट कर दी कि एयर को आपने इन्वॉल्व नहीं किया यहाँ पर। एयर का जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बोलो। तो हमने वैल्यू और डायरेक्शन ये तो हमने बता दिया, वैल्यू और डायरेक्शन पूछी आपसे। क्या होगी, और मैग्नीट्यूड दोनों तो चाहिए ना, फोर्स लगाना है। अभी 11th पढ़ के आए हैं, पता नहीं क्या पढ़ के आए हैं। इसमें क्वेश्चन देखो ना, रो नॉट एयर है,
एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप पे एयर में हैंग कर रही है ऐसे। क्यों हैंग कर रही है? रीजन, वेट नीचे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है और एक एयर का फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है ये? हाँ, वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो दिखा दिया, एयर का, एयर का फोर्स ऊपर लगेगा। क्यों लगेगा? कौन सा फोर्स है, उसका नाम क्या होगा? हाँ, अरे बोलो, गलत या सही कुछ तो बोलोगे। हाँ, कौन सा फोर्स होगा? ऑफ थ्रस्ट। कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ बायोएंसी। एयर क्या है? फ्लूइड है। जब फ्लूइड चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो गैसेज और लिक्विड सारा फ्लूइड में आता है और एयर एक फ्लूइड हो गया, और फ्लूइड हो गया तो फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर फोर्स ऑफ बायोएंसी एक्ट करता है, कहता है कि नहीं? तो बायोएंसी फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फोर्स ऑफ बायोएंसी हो गया हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में एफ वी। अब इसका इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पे इक्वेशन बन गई एफ वी बायोएंसी फोर्स प्लस क्यू ई। इधर देखिए, बायोएंसी फोर्स कितना होता है? वी रो जी। तो वी रो जी को क्या लिख सकते हो? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो नॉट एयर की डेंसिटी इंटू जी प्लस क्यू, ठीक है ना? क्यू के टर्म में दिया हुआ है कि सिग्मा के टर्म में दिया हुआ है? चार्ज इस पे रो के टर्म में, ठीक है ना? नहीं, वो तो रो वो है, डेंसिटी है उसकी। एक्सेज आप इलेक्ट्रॉन निकालने तो क्यू निकालना है, क्योंकि क्यू इक्वल टू एन ई करेंगे ना, तभी तो एक्सेज आप इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो चार्ज निकालना है ई, हमें क्यू यहाँ फाइंड आउट करना है। ई हमारे पास दिया हुआ है, वेट मास कितना होगा? मास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। अब यहाँ से देखो, हमारे पास Q निकल आएगा, Q की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4/3 कॉमन ले लो, 4/3 पाई आर क्यूब और G कॉमन ले लिया, रो माइनस रो नॉट और डिवाइडेड बाई E। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? आपको हमें निकालना है क्वांटाइजेशन नंबर, एक्सेज या डिफिशियंसी निकालनी है। तो इधर देखो, Q इक्वल टू एन ई, अब एन निकालना है, तो एन इक्वल टू हमारे पास आ गया क्यू बाई ई हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी डिवाइडेड बाय E इंटू ई रो माइनस रो नॉट। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा? पहले ये देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू मैच कर रही, और न्यूमेरिकल वैल्यू मैच कर रही, फिर इसमें क्या होना चाहिए? हमने पॉजिटिव माना, तो डैट मीन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव सपोज किया था, दैट मीन्स क्या हुआ? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिफिशियंसी में ये ऑप्शन है क्या? yes, तो एक ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। अगर सिंगल चॉइस आंसर होता है तो ये हमारा एक ही चीज, लेकिन अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता तो मल्टीपल चॉइस में क्या करते हो? ये प्लस की जगह माइनस हो जाता, किधर हो जाता है? नीचे फोर्स लगने लगता। क्यों? ये कौन सा फोर्स? पॉजिटिव है तो ऊपर और नेगेटिव है नहीं, तो ये क्यू ई देखो इधर आ जाता, ये हमारे पास क्या हो जाता है? नीचे की तरफ हो जाता। फिर हम जब आंसर लिखते हैं, क्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो क्यू में देखो वेट भी इधर आ जाता है, ये भी इधर आ जाता है, हमारे पास दोनों एक साइड हो जाते हैं ये वाले, क्योंकि माइनस क्यू ई है, तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाता है? दिस नेगेटिव में रो नॉट माइनस रो हो जाता, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? रो नॉट माइनस रो, रो नॉट लेस देन दिया हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा है,
तो नेगेटिव चार्ज माइनस कॉमन ले लो, फिर से रो बाई रो नॉट आ जाएगा कि नहीं, और रो बाई रो नॉट आ जाएगा तो फिर से यही आंसर आ जाएगा, खाली नेगेटिव चार्ज में तो एक्स एज इलेक्ट्रॉन। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। वैसे भी यहाँ पे भी इन्होंने कुछ कहा नहीं तो दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो गए। एक्सेज में रो वाले रो नॉट है, अच्छा हाँ तो गलत हो जाएगा, सही करो, क्योंकि नेगेटिव तो पहले कॉमन लेना है। यस, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो ऐसे मल्टीपल चॉइस का आंसर चेक करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो और बोलो। 23 क्वेश्चन अभी नहीं होगा, 23 हम पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना। वैसे 23 का ऑप्शन हमारे पास है, आंसर इसका सी है। और बोलो जल्दी से, नहीं तो फिर हम आगे। हाँ वही तो कह रहे, आंसर इसका वैसे सी है, ठीक है ना, लेकिन हम इसको अभी पढ़ाएंगे, डाइपोल में आएंगे तब इसको पढ़ाएंगे। 26 26 देखो, ए पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज आपका दिया हुआ है प्लस क्यू, ए पॉइंट सी है, क्या डिस्कशन चलता रहता, किसकी आवाज आती रहती है? हम यहां राइट करना शुरू कर देते, तुम लोग बात करना शुरू कर देते, हम एक एक बैठाएंगे नहीं तो खड़ा करेंगे, बैठाएंगे भी नहीं। हमने कहा अपना दिमाग लगाओ, क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप से सोचना शुरू करो, आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो जरा कि पॉइंट ए हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और ये पॉइंट सी है, और डी डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है जो पार्टिकल वी, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, और इसकी वेलोसिटी दी हुई है यू इस डायरेक्शन में। ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज फिक्स्ड, इसको फिक्स्ड कर दिया गया, फिक्स्ड। अनदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ मास दिया हुआ है एंड चार्ज दिया हुआ है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है इसका चार्ज दिया हुआ है और ये मास गिवन है, पॉजिटिव चार्ज क्यों है। फिक्स्ड इसलिए कर दिया गया कि जैसे ही इन दोनों का ये पॉजिटिव चार्जेज है तो इन दोनों पे फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा, और ड्यू टू रिपल्सन इस पर भी रिटार्डेशन आएगा और इस पर भी मोशन आ जाएगा। अब मोशन आ जाएगा तो फिर हमें दोनों का डिस्कशन करना होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज कर जाएगी, तो आपकी प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए उसने इसको फिक्स्ड कर दिया। अब सिर्फ मोशन किसका होगा? ऊपर वाले, क्लियर। फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन में, पार्टिकल मास एम एंड चार्ज क्यू इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट बी विद वेलोसिटी यू एज शोन इन द फिगर, द पॉइंट बी इज एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द लाइन ए सी, ए सी से डी डिस्टेंस पे ये लार्ज डिस्टेंस है। अब इस टर्म का यूज करना, लार्ज डिस्टेंस के कैसे यूज करोगे कि जब यहां पे देख रहे हो फोर्सेस कौन कौन से हैं, कौन सा फोर्स दिख रहा है इस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर,
कहीं पे एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा किससे? एनर्जी कंजर्वेशन से, समझ में? और एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व होगा तो दैट मीन्स हमें राइट करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दोनों टर्म आएंगे। और दोनों टर्म आएंगे तो लार्ज डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो, के क्यूबन क्यू टू बाई आर, आर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसलिए उसने लार्ज डिस्टेंस दिया हुआ। लार्ज का मीनिंग समझ में आया? लार्ज को कैसे यूज करना है मुझे, तो लार्ज डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ गई जीरो। अब आगे बढ़े, द पॉइंट बी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द लाइन ए सी, द इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू लाइन ए सी। इनिशियल वेलोसिटी जो है इस लाइन ए सी के पैरेलल में, डायरेक्शन ये गिवन है। द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर ऑफ क्यू एंड क्यू ड्यूरिंग द मोशन इज, अब ये इन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन दी हुई है डी प्लस डी ब्रैकेट वन प्लस रूट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इंटीजर का क्वेश्चन है, जो इंटीजर आपके हमें आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन है कि मिनिमम डिस्टेंस। तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ पे लिखाई, अगर याद हो खाली ये बताओ कि इस कंसेप्ट पे प्रॉब्लम हमने कहाँ पे लिखाया था, मेंशन किया था, किसमें? हाँ, फोर्स का डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें इम्पैक्ट पैरामीटर लिखाया था, और उसमें बिल्कुल रदरफोर्ड मॉडल में, और ये क्वेश्चन हम कराया था वहां पे। तो देखो फिर से ये क्या करेगा, यहाँ पे फिगर हम दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि ये जो है कुछ ऐसे करके जाएगा, ये पार्टिकल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, और मिनिमम डिस्टेंस यहां से देखो ये परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गई आर मिनिमम, समझ में आ रहे? यहां पे स्पीड हो गई आपकी वी वन, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो, इनिशियल एनर्जी ई आई दिस इक्वल टू ई फाइनल, ये एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी देखो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय डी है, सॉरी डी तो ये दे रखी ना, आर मिनिमम निकाल लेना पहले, उसको डी वन प्लस रूट ए रख देंगे, आर मिनिमम यहां तक समझ में आ रहा, आर मिनिमम ये, और प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, अगर वी है तो वी स्क्वायर, इक्वेशन समझ में आया? फर्स्ट इक्वेशन हमने एनर्जी कंजर्वेशन से फॉर्म किया, देख लो क्यों, क्योंकि कोई ऐसे फोर्सेज नहीं है, एक ही फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव नेचर, तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लिया। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ गई है कि एक और अननोन आ गया, कौन सा? वी। अब वी को हम एलिमिनेट कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व, आर मिनिमम निकल जाएगा, मेरा प्रॉब्लम है आर मिनिमम निकालना, उसको डी प्लस उसके टर्म में रख देंगे, ठीक है? तो विकास वहां पे हम ये कंसेप्ट भी बता चुके हैं, यस, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और उसमें हमने लाइन लिखाई थी आपको, उस कंसेप्ट में क्या कर रहे थे कि ये जो कूलाम फोर्स है, शीतल तुम भी पीछे बैठो, चलो हाँ क्वेश्चन लिख लो, पीछे चलो, तो उस समय हमने क्या कहा था कि जो दो चार्जेज हैं अगर किसी एक के रिलेटिव में दूसरा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ध्यान करिए, कि दो चार्जेज हमने कहा, जैसे इंग्लिश आप पढ़ते हो ना 50 टर्म आपको याद हैं उसी से रिलेट करते रहते हो, वैसे ही फिजिक्स में सिर्फ 3 इक्वेशन है उन्हीं को घुमाते रहते हैं,
उन्हीं को बस किस तरीके से यूज करना है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं, समझ में आए। तो उसी में देखो फिर से हम कंसेप्ट आपको रिवाइज करा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर दो चार्जेज का एक सिस्टम है तो उन दोनों के बीच में कूलाम फोर्स लगता है, और किसी एक चार्ज पे एक के रिलेटिव में दूसरे को देखोगे तो जो वो फोर्स है वो जिसके रिलेटिव में देख रहे हो वहाँ से देखोगे तो वहीं से पास करेगा उसकी लाइन ऑफ एक्शन। नहीं, ये दो चार्जेज मैंने यहाँ लिए, ये देखो अब इसको मैंने यहाँ फिक्स्ड कर दिया, इन दोनों के बीच में किसी भी स्टैंड पे फोर्स देखे तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हमेशा इस पॉइंट से पास करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, चाहे ऊपर वाला पार्टिकल कहीं भी जाए या दोनों पार्टिकल भी मूव कर रहे हो तो भी कहीं जा सकते हैं। अगर एक पार्टिकल के रिलेटिव में देखेंगे तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन दो में से किसी भी एक चार्जेस को देखेंगे वहीं से पास करेगी, और जब भी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास करती है तो इस फोर्स का नाम होता है सेंट्रल फोर्स, और अगर सेंट्रल फोर्स हो जाता है तो उसके अबाउट टॉर्क जीरो हो जाता है, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। ये कंसेप्ट क्यों, क्योंकि जब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हम देख रहे हैं तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास करेगी, इसलिए टॉर्क क्या होता है आर परपेंडिकुलर टू एफ, तो आर परपेंडिकुलर टर्म कितना हो जाएगा जीरो। आई बात समझ में, तो ये बहुत जगह ग्रेविटेशन में करेंगे कहीं भी करेंगे ये ध्यान रखना है, दो पार्टिकल मास सिस्टम हो ये हो तो अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, तो क्या करेंगे, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन हमने लिख दिया, एनर्जी कंजर्वेशन, और यहां पे एंगुलर मोमेंटम देखो, अब देखो इसको आगे बढ़ा दिया ऐसे, इस वेक्टर को ऐसे बढ़ा दिया, यहां से आर परपेंडिकुलर ये ऐसे डाला ये ऐसे आ रहा, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल में हो गया एम यू इंटू डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है डी, और फाइनल देखो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा दिस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ दिख रही है आपकी, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमारे पास, ठीक है सॉरी, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से देखो कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वाला टर्म ऐसे आ जाएगा, दोनों के डायरेक्शन सेम है, हो गए कि नहीं, दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास एम वी इंटू आर मिनिमम, ये मास से मास कैंसिल आपका, ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट फिक्स्ड चार्ज, कैपिटल क्यू, ठीक है ना, किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमने अप्लाई किया। अब यहां से देखो इस v की वैल्यू बस कुछ नहीं करना है, v की वैल्यू यहां रख देनी है, r मिनिमम निकाल लेना अपने आप आ जाएगा, r मिनिमम की जगह क्या रख देना है d बन, तो रूट में जो दिखेगा वो नंबर अपने आप आ जाएगा, नंबर आएगा एक न्यूमेरिकल टू आ गया, वो नंबर अपने आप आपको दिखेगा उसका आंसर इंटीजर में। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसको वो कीजिए, उसको पहले बारिश को बंद करो ना, रिकॉर्डिंग लगानी है, योगा कह रहे हो ये नहीं, ये पहले एग्जाम में डाल दिया।
यस सेव कर डीपीपी 15 कौन सी थी ये बाईस रिपोर्ट में